है एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर बिहार स्टूडेंट के लिए। जो भी बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो एडमिशन लिए उनके लिए स्पेशल है वीडियो है, क्योंकि जो DRCC का जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब कि फर्स्ट जो प्रोसेस होता है कि बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या पेरेंट्स को भी लेके जाना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगता है या फोटो कॉपी लगता है, क्या क्या होता है, हर चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी A to Z। सिर्फ DRCC के फर्स्ट प्रोसेस के लिए कि जब आपका बोनाफाइड आप चल जाता है तो उसके बाद आप बोनाफाइड लेकर के जब DRCC में जाते हो तो क्या क्या लगता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना होता है, इस सारी तमाम क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे तो इस टॉपिक पे मतलब कि कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, मैं पूरी मतलब स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा हर चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हर चीज़ समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप DRCC जा रहे हो तो DRCC जाने से पहले आप किस किस डॉक्यूमेंट को लेकर जाए, किसके साथ जाए, इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो DRCC होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है और वो मतलब ज़िला में होता है। तो सबसे पहले अगर आपको DRCC में जाना है तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको जो आपका मैट्रिक और इंटर का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे मार्कशीट हो गया, आपका मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, उसका प्रोविजनल, इंटर का, मतलब सेम जितना भी आपको मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मेन है इंटर मैट्रिक का, वो आप डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उसके बाद जो बोनाफाइड मिला रहता है, एक फी स्ट्रक्चर और एक कॉलेज का डिटेल्स होता है, उसको आप ले लेंगे। और आप इतना डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप अपना जो आधार कार्ड, पासबुक, हर चीज़ जितना भी मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है हर चीज़ आप लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ आपको फ़ोटो का बहुत आवश्यकता होता है, तो फ़ोटो जो है आपको लगभग मतलब 6 फ़ोटो आप ले लेंगे। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट के बाद कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इंटर मैट्रिक और जो साइड डॉक्यूमेंट होता है जाति आवासीय और आधार कार्ड, अपना फ़ोटो वोटो, पासबुक, ये जो होता है सारी चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आप DRCC में जाइए, और इस सारी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट का, और जो फ़ोटो कॉपी होते हैं वो वहाँ पे रख लेता है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपका जो, क्योंकि ये लोन 4 लाख देता है तो ऐसे नहीं देता हर चीज़ मतलब जान के, हर चीज़ को मतलब कि जब तक सेटिस्फाई नहीं हुआ तब तक आगे मतलब आगे का प्रोसेस क्लियर नहीं करेगा। तो उस वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन होता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन ये होता है कि जैसे कि आपको, जैसे मैट्रिक मार्कशीट में मानते हैं आपके पापा का नाम कुछ, मतलब जैसे मानते हैं किसी में आपके पापा के नाम में कुमार है किसी डॉक्यूमेंट में, और आपके अगर आपके पापा, लेकिन एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि DRCC में सबसे पहले एक को अप्लीकेंट की ज़रूरी होती है, सह अभिभावक का। तो वो जो होता है वो आप मतलब अपने माता या पिता को बना सकते हैं। तो आप लोग मतलब कि जब भी DRCC में जाइएगा तो अपने पापा या मम्मी को लेके जाइएगा, किसी एक को लेके जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि जिनके पापा जी अगर बाहर रहते होंगे, विदेश रहते होंगे, वो ज़्यादातर कोशिश करेगा कि अपने मतलब मम्मी को लेकर के जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपका DRCC में जो फर्स्ट स्टेप हो जाता है, जब आपका कॉलेज से बोनाफाइड जाता है, जब आप वहाँ पर करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एक बार और आपको जब पैसा जब भेजना होगा, उसके बाद आपको लगभग 90 दिन के बाद आपको फिर DRCC बुलाता है, आपके पास ईमेल आता है एग्रीमेंट कराने के लिए। तो उस समय भी जिसको आपको अप्लीकेंट बनाए होते हैं उसको फिर लेके जाना होता है, मम्मी को अगर बनाए होंगे तो मम्मी को, पापा को बनाए होंगे तो पापा को लेके जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर उनका सिग्नेचर लगता है, और बिना सिग्नेचर का आगे का प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि जब बहुत सारे लोग घर में रहते हैं कि जैसे मतलब कि अगर हम लोन ले लिए तो अगर जॉब नहीं होता है तो पैसा नहीं देना होता है, इसलिए वहाँ पे जब हम एग्रीमेंट पे आगे पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना तब तक बता देते हैं कि जिसको भी आपको अप्लीकेंट बनाइएगा उनको एग्रीमेंट में लेके जाना होता है। इसलिए आप इसको, जैसे आपके पापा हमेशा घर पर रहते होंगे तो पापा को बनाइए, आप पापा इधर उधर मतलब बिजनेस वाले होंगे या बाहर रहते होंगे तो आप कोशिश करिए कि अपनी मम्मी को अप्लीकेंट बनाए, अपनी मम्मी को फर्स्ट बार आप DRCC में लेके जाएँ, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस होगी आपकी मम्मी जाएगी साइन करेगी तभी आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो यही होता है। तो आप जिसको आपको अप्लीकेंट बनाते हैं, ठीक है, और जो आपके जैसे डॉक्यूमेंट में आपके मम्मी पापा का नाम, जैसे
जैसे मानते हैं आपके पहले पापा की बात करें, पापा के नाम में अगर कुमार है, आपके पापा के डॉक्यूमेंट में मतलब जैसे आधार कार्ड में मतलब उनका जैसे महतो कुशवाहा यादव कुछ भी है, तो वहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है। या आपके जैसे आपके आधार कार्ड में आपके पापा का नाम दूसरा है, आपके डॉक्यूमेंट में पापा का नाम दूसरा है, तो यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसको लेके जाना होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। और जब जब मतलब जैसे आपके पापा के जो डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए वहीं आपके डॉक्यूमेंट में वहीं सेम होना चाहिए, ये जब रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी जो अगर अलग अलग नाम रहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जो फिर जाना होता है कोर्ट में, वहाँ से जब स्टाम्प सिग्नेचर करा के आना होता है तब होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है हर एक वर्ड, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ होते हैं ना एड्रेस में, वो हर चीज़ मतलब आपको मैट्रिक का मिलाएगा, इंटर का मिलाएगा, जाति आवासीय हर चीज़ आपके पापा जो जिसको को एप्लीकेंट बनाएगा पापा या मम्मी को उस पे से मिलाएगा, हर चीज़ को मिलाएगा, हर चीज़ सेम होगा तब आगेगा प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट का बात। उसके बाद को एप्लीकेंट इसलिए वहाँ जाता है कि फर्स्ट बार जिसको आप को एप्लीकेंट बनाते हैं वहाँ उनका एक फ़ोटो लेता है, एक तो जो आप जिसको आप को एप्लीकेंट बनाइएगा पापा या मम्मी को, तो उनका भी 4 या 6 फ़ोटो आप लेके जाइएगा, उनका भी फ़ोटो लगता है। और वहाँ पे एक मशीन होता है छोटा सा, जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे एक जो फ़ोटो लेता है वहाँ पे भी आपका फ़ोटो लेगा, आपके पापा जी का फ़ोटो लेगा, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट बार जाइएगा DRCC तो वहाँ कुछ नहीं होता है, बस आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइए और जो उस सब का फ़ोटो कॉपी ले लीजिए, अपना फ़ोटो ले लीजिए, पापा जी का फ़ोटो ले लीजिए। और DRCC में जाइएगा तो वहाँ आपको एक मतलब कि A4 साइज का आपको एक पेज मिलेगा, उस पर आपको पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा, जैसे आपके कॉलेज का जितना डिटेल्स है उस पर फिल करना होगा, आपका जो एड्रेस है उस पर फिल करना होगा, उस सारे को फिल करके आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उस सबका फ़ोटो कॉपी करा के वहाँ पर लिखा होता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन मोस्टली जो इंटरमेटिक का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो और आधार कार्ड पासबुक आपका वो सब लगेगा, कॉलेज का जो बोनाफाइड होता है उसका फ़ोटो कॉपी लगेगा। तो इस सारी चीज़ का आप जब फ़ोटो कॉपी करा के वहाँ से जो A4 साइज के जो उस पर लिस्ट मिलता है जिसमें अपना पूरा एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस, हर चीज़ फिल करके उसके बाद जब आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ होता है, अभी तो भीड़ चलता है, तो वहाँ पर फिर आप नंबर लगेगा, जब आपका फिर वहाँ से काम होगा, एक यूज़र नेम पासवर्ड देगा उसको आप याद रखिए, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे का जो आप मोबाइल से ही अपना स्टेटस चेक करना होगा तो उसका बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस वहाँ एक यूज़र नेम पासवर्ड देगा उसको आप याद रखिएगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा। और तब वहाँ से जब आपका फर्स्ट जो आपका जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा हो जाएगा तो वहाँ उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हो, रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से एक स्लिप देगा, और स्लिप देने के बाद वो जो एक छोटा सा मतलब उस पर से काट के देता है जिसपे वो जब वो स्लिप को लेकर के आना होता है कॉलेज, क्योंकि वहीं स्लिप जो होता है ना मेन होता है, क्योंकि कॉलेज में जब आइएगा तो हर जगह जैसे आपको डिपार्टमेंट में जाना होगा तो डिपार्टमेंट में भी एडमिशन होगा तो वहाँ भी वो स्लिप मांगा जाएगा, आपको हॉस्टल में रहना होगा हॉस्टल अलॉट करने के लिए वहाँ भी स्लिप मांगा जाएगा, जब आप फर्स्ट बार आइएगा तो एडमिन ब्लॉक जाइएगा तो वहाँ भी एडमिशन लेना होगा तो वहाँ भी आपको वहीं स्लिप लगेगा, क्योंकि जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है जब आप फर्स्ट बार कॉलेज में आ रहे हैं तो वहीं स्लिप आपको हर जगह काम आएगा। जिसके पास वो स्लिप नहीं रहेगा फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई कितना भी कुछ करेगा हॉस्टल में कोई कॉलेज में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर जगह आपका उसी से आगे का जो काम होगा, हॉस्टल अलॉट होगा, एडमिशन होगा, उसी से आगे आपका जो होगा वो प्रोसेस बढ़ेगा। तो इसलिए उस स्लिप को आप लेकर के आइएगा, बस यही है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। लेकिन आप ना जो है ना वो एप्लीकेंट ध्यान रखिएगा कि अगर जिसके पापा बाहर रहते होंगे वो कोशिश करेगा खासकर अपने मम्मी को ही बनाए, क्योंकि मम्मी हमेशा घर पर रहती है, जब मन करे अगर आगे जब 90 दिन के बाद आप जाइएगा एग्रीमेंट कराने फिर लेके जाना हुआ तो कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो किसी के पापा अगर मानते हैं विदेश चल गया बहुत दूर बाहर रहते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम होता होगा फिर आने के लिए, तो अपना कोशिश करिएगा कि वो एप्लीकेंट अपने मम्मी को बनाए। बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 वीडियो और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर मतलब ला दें, जो भी डाउट है इसमें वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। और एग्रीमेंट कराने के बाद आप क्या मतलब कितने दिन में पैसा आता है ये सारी चीज़ और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तब तक वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक भी धन्यवाद।